आपने देखा होगा कि हमें जो है वो समटाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी जो है वो बहुत कम लगती है, कभी बहुत थोड़ी लगती है, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। इन डिफरेंट सिचुएशंस के लिए इंग्लिश में डिफरेंट तरह के वर्ड्स हैं जो मैं आज के लेक्चर में आपके साथ जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड जो मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए वो है हंग्री, जिसका मतलब होता है भूखा, जो कि एक फिजिकली और मेंटली जो है वो नीड होती है जो कि नॉर्मल फीलिंग्स के लिए आप यूज करते हैं। फाइन, जब आप फॉर एग्जांपल जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो एक रूटीन के अकॉर्डिंग अगर आपका आपकी रूटीन जो है वो ये है कि आप 12 बजे जो है वो लंच करते हैं या 2 बजे लंच करते हैं, तो आप उस सिचुएशन के लिए जो कि एक नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल फीलिंग्स हैं फूड के लिए, तो आप उस सिचुएशन के लिए जो है वो हंग्री का वर्ड यूज़ करेंगे। फाइन, नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए है वो है पैकिश, जो कि एक कैजुअल वर्ड है मोस्टली यूज इन ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। आपको बहुत कम देखने को पैकिश का वर्ड मिलेगा, ठीक है, ये उस तरह से यूज़ नहीं किया जाता, जस्ट ये जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आप थोड़े भूखे हों, ठीक है, जैसे कहते हैं लिटिल हंग्री, ठीक है, जब आप थोड़े भूखे हो तो जिससे आपका गुजारा हो जाए, अगर आप ना भी खाएं तो जिससे आपका गुजारा हो सकता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए आप जो है वो पैकिश का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड वर्ड जो है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए वो है फैमिश्ड, या आपने बहुत सुना होगा। फैमिश्ड का वर्ड आप तब यूज करते हैं व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हंग्री, जब आप बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, ठीक है, जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, जिसके लिए अक्सर लोग कहते हैं मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उस तरह के सिचुएशन के लिए जब आप बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, जब आपके पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए आपने फैमिश्ड का वर्ड यूज करना है। पाइन, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए जो कि लास्ट वर्ड है, जो कि है स्टार्विंग। स्टार्विंग तब हम यूज करते हैं वर्ड व्हेन यू आर लिटरली डाइंग ऑफ हंगर, ठीक है, जब आप भूख से जो है वो मरने लगते हैं, जब आप इतने ज़्यादा भूखे होते हैं कि आप भूख से जो है आपके मरने वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है, उस सिचुएशन के लिए आपने स्टार्विंग का वर्ड यूज़ करना है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और कई दिनों से भूखे होते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए यूज़ करेंगे स्टार्विंग का वर्ड। आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं, जिनको मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ झुग्गी वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने टेंट डाले होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा जो है वो जो आपने देखे होंगे उनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जो कि भूख प्यास की हालत में जो है वो अक्सर जो है वो मर जाते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन के लिए आप स्टार्विंग का वर्ड यूज़ करेंगे। फाइन, आई थिंक आपको जो है वो अन चारों के बीच में जो डिफरेंस था वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ जो हैं वो ईजिली मिल सके।